हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट मैनीक्योर, जिसके लिए एक बर्तन में मैंने लिया है गर्म पानी, और अब इसमें मैं कुछ ठंडा पानी भी डालूंगी जिससे कि ये उतना गर्म रहे। ये हल्का सा हमें गुनगुना पानी चाहिए, तो जितना आप सह पाएँ उस हिसाब से इस पानी को गुनगुना या गर्म रखें। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रहे, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ये पानी लिया है इस बर्तन में, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारी स्किन साफ होती है। और एक से डेढ़ चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। तो यहाँ मैंने इसमें नमक डाला है, और आप अपना कोई भी फेवरेट शैम्पू जो भी आप यूज़ करती हूँ, एक से डेढ़ चम्मच इसमें ये शैम्पू डालकर इसमें खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि इसमें झाग आ जाए। और यहाँ मैंने शैम्पू क्लीनिंग के लिए लिया है, और नमक लिया है कि स्क्रबिंग का काम करेगा नमक, और हमारे हाथों को मुलायम भी बनाएगा। और अब अपने दोनों हाथों को इसमें डिप करके 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही आपको रखे रहना है पानी के अंदर, और बीच बीच में हल्के हाथों से अपने दोनों हाथों को ऐसे इस तरह से रगड़ कर धोना है, जिससे कि अगर धूल मिट्टी हुई सारी इसमें गर्म पानी की वजह से ये एकदम से सॉफ्ट पड़ जाती हैं। तो आप इसको अपने दोनों हाथों की हेल्प से इसको निकाल सकती हैं। ये कुछ इस तरह से आपको अपने हाथों को, अपने नेल्स को, जहाँ जहाँ आपको लगे कि गंदगी है वहाँ इसको यूज़ करना है। और ये देखिए, यहाँ मैंने लिया है टूथब्रश। तो अगर आपके पास कोई पुराना टूथब्रश हो तो उसको आप ले सकती हैं, और इस तरह से जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है या यहाँ डेड स्किन सेल्स है, तो वहाँ आप इसको इस तरह से हल्के हाथों से इससे ऐसे कर सकती हैं, छुड़ा सकती हैं ऐसे। तो क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और उसमें जो डेड स्किन सेल है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए आपको ये मैनीक्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैं कर रही हूँ इसको। तो आपको अपने हाथों में और अपनी उंगलियों के चारों तरफ, अपने नेल्स में खूब अच्छे से इसको धुलना है आपको। और आप चाहें तो आप इसमें नींबू भी डाल सकती हैं। यहाँ मैंने नींबू नहीं डाला है, और मैं आपको इसमें बहुत ही कम स्टेप में बहुत बढ़िया सा मैनीक्योर बताऊंगी, कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और ये 5 मिनट के अंदर आप इसको आसानी से कर भी पाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये देखिए, अब मैं यहाँ अपने नेल्स को साफ़ करूंगी, जिसके लिए मैंने लिया है टूथपेस्ट। कोई सा भी जो आप करती हूँ, ब्रश की हेल्प से इसको मैं इस तरह से अपने नेल्स के चारों तरफ इसको ऐसे रगड़ कर अपने नेल्स को, अगर उसमें क्यूटिकल हो और उसमें गंदगी हो या वो ख़राब हो गए हों जो हमारे नेल्स हों, तो उसको हम टूथपेस्ट से इस तरह से टूथब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको हम रगड़ कर साफ़ करेंगे। इससे बहुत बढ़िया सा ये साफ़ हो जाएगा। आप ऐसा ज़रूर एक बार ट्राई करके देखें। इस तरह से देखिए आप। तो आज मैं आपको इंस्टेंट मैनीक्योर बता रही हूँ, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप जल्दी से इसको कर भी पाएंगी। तो आप कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार या 15 दिन में 2 बार ऐसा ज़रूर ऐसे ऐसे करके आप अपने हाथों को मैनीक्योर ज़रूर से करें, जिससे कि वो सॉफ्ट रहें, सुंदर रहें आपके हाथ है वो। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अपने दोनों हाथों के नेल्स को टूथपेस्ट और टूथब्रश की हेल्प से एकदम से क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है। तो आप भी ऐसा ये करने के बाद अपने हाथों को वॉश कर लें। और यहाँ मेरे नेल्स में मेहंदी लगी हुई है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा आप लोग। तो अब मैं इसको अच्छे से टॉवल से पोंछ लूँगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आप घर में मैनीक्योर करें तो। ये इस तरह से आपको अपने पूरे हाथों को अच्छे से सुखा लेना है, और इसके बाद मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो। तो बहुत 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 इजी प्रोसेस है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, जितनी चीज़ें आपके पास उसमें से ही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। तो आपको ये जेल लेना है, और इस तरह से अपने पूरे हाथों में खूब अच्छे से मालिश करनी है। और हाँ, आपको अपने नेल्स में भी इसको इसकी मालिश करनी है एलोवेरा जेल की। और आपको अपने उंगलियों में, अपने नेल्स में खूब अच्छे से इसको रगड़ कर मालिश करनी है। ये देखिए, कुछ इस तरह से
इससे जो आपके हाथ है एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये मॉइस्चराइज़र, आपके पास कोई सा भी मॉइस्चराइज़र हो आप उसको लेकर अपने हाथों में अप्लाई कर लें तो जो आपका हाथ है बहुत बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ मैं अपनी उंगलियों को अपने हाथों को खूब अच्छे से ऐसे मसाज कर लूँगी, कुछ इस तरह से आपको अपनी उंगलियों से करना है जिससे कि उसकी खूब अच्छे से मसाज भी हो जाए और आपको नाखून के ऊपर ऐसे इस तरह से मालिश करनी है जिससे वो साफ़ सुथरे भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, और अब मैं यहाँ अप्लाई करूँगी नेल पेंट। तो यहाँ मैंने दो नेल पेंट ली है, एक कलरफुल है और एक मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट ली है। तो मैं ये कलर वाली नहीं लगाऊँगी, मैं यही केवल ट्रांसपेरेंट को ही अप्लाई करूँगी। तो अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप कलरफुल नेल पेंट अप्लाई करें, यहाँ मैं केवल यही अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरे जो नेल्स हैं वो और ज़्यादा शाइनी हो जाएं। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं कि अगर आपको बाहर वैसे कहीं जाना नहीं हो, आपको घर में ही रहना है, तो आप ज़्यादातर क्या करें कि आप ऐसे ही ट्रांसपेरेंट नेल पेंट को अप्लाई करें जिससे कि वो आपकी जो नेल हैं वो शाइनी भी रहें और वो अच्छे भी दिखें। क्योंकि हम हर टाइम तो नेल पेंट को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कहीं बाहर जाना हुआ तब आप करें, नहीं तो बाकी आप ऐसे ही नेल पेंट को अप्लाई करें। तो ये देखिए यहाँ मैंने अपने दोनों हाथों में अच्छे से नेल पेंट को अप्लाई कर लिया है। तो यहाँ आज मैंने आपको इंस्टेंट मैनिक्योर बताया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।